it's all about humanity. तो लास्ट में आपने देखा कि हम ये रेस्टोरेंट में रुके थे, यहाँ पे हमने लंच करा था और कुछ लोग मिले थे। फिर हम यहाँ से, इसके बाद क्या हुआ था कि हम यहाँ से मसूरी के लिए निकल गए थे। और जो देहरादून टू मसूरी का जो रास्ता है वो अराउंड 34 किलोमीटर्स का है, जिसमें आपको अराउंड 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। बाकी डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक कि कितना ट्रैफिक है। देखो, मेरा तो देहरादून तो मैं आया हूँ, बट मसूरी का मैं आई थिंक बचपन में कभी आया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं याद, ना वहाँ के रास्ते कुछ याद, मतलब कुछ नहीं याद था कि मतलब क्या है वहाँ पे, कुछ नहीं पता था। तो मेरा ये फर्स्ट रोड ट्रिप था मसूरी का अपने घर से। तो देखो, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इंजॉयबल थिंग थी ना देहरादून टू मसूरी के रास्ते में, वो था वहाँ का रास्ते सबसे बढ़िया है भाई। मतलब एक तो एकदम से ना देहरादून से तुम एकदम से इतनी हाइट पर चढ़ जाओगे ना, और उतनी काफ़ी हाइट पे सारे रास्ते एकदम जिग जैग टाइप के बिल्कुल। वहाँ पे जो बाइक चलाने का मज़ा आया था ना यार, एक अलग ही लेवल था, एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग। मतलब पहले मैं मसूरी को मतलब अंडर एस्टिमेट करता था यार, बट नहीं यार, मसूरी बहुत बढ़िया यार। मतलब कभी भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आराम से जा सकता हूँ यार, चलते फिरते पहुँच सकते हैं। तो गाइस, पहले कुछ सिनेमैटिक्स देखो मसूरी के, दिन आपको मैं कुछ और बताऊंगा क्योंकि वहां पे हमने और क्या करा था। अभी आपने जो पीछे सिनेमैटिक्स देखे होंगे तो आई होप यार आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे लगे। तो देखो, उसके बाद हम जो मसूरी वाला जो रास्ता है वहाँ पे हमने अराउंड 2 आवर्स लिए। अब देखो, हम तो कुछ करना था नहीं हमें वहाँ इतनी जल्दी मसूरी पहुँच के, तो हमने कहा यार आराम से चलते हैं, हर थोड़ी देर में स्टॉप ले रहे थे, आराम से व्यूज़ के मज़े ले रहे थे। मतलब अब जहाँ भी एक यू टर्न आता है ना, पूरा हर यू टर्न पे आपको नया व्यू मिलेगा। तो हमारा भी यही सीन था, हम जहाँ यू टर्न आ रहा हम एक यू टर्न पूरा लेते हैं, देन ऊपर जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें एक नया व्यू मिल रहा था, हम वहाँ का थोड़ा मतलब एंजॉय कर रहे थे रुक रुक के। और देखो, जब ये मसूरी वाला रास्ता आया था ना, थोड़ा हाइट पर चढ़ चुके थे, तो उसके बाद जो थकान थी ना, मतलब थी नहीं। हम तो ये कह रहे कि हम इतना मतलब पूरा पैक होके आए हुए, इतनी हैवी जैकेट ये सब पूरा मतलब गियर वगैरह पहन के, लेकिन थकान नहीं हो रही। मतलब वो जो भी था वो समझ रहे हो ना, वो थोड़ा मतलब वहाँ की फीलिंग ऐसी, तो थकान किस बात की होगी। वहाँ पे हमें ये था कि हम चाहे तो एक मतलब एक ही एक वन गो में हम कहीं भी पहुँच सकते थे, इतना मतलब वो था कि कोई थकान नहीं थी, हम पूरे टाइम बाइक चलाने को तैयार थे। बट हमने कहा क्या करेंगे, आराम से चलते हैं। देखो, मसूरी जब पहुँचे थे तो मसूरी में काफ़ी मतलब थोड़ा भीड़ थी यार, तो उसके बाद हमने डिसाइड करा था कि हम एक काम करते हैं, हम केम्प्टी फॉल्स जाके स्टे करेंगे। तो केम्प्टी फॉल्स आपका मसूरी से अराउंड 14 या 15 किलोमीटर्स है, अप्रॉक्स 30 to 40 minutes। तो वो आपका थोड़ा नीचे जाके है, अब मसूरी तो हाइट पर है, वहाँ से बस मसूरी से फिर आप आगे जाओगे थोड़ा, तो वो फिर वहाँ से एक टर्न आता है जो कि नीचे की तरफ जाता है केम्प्टी फॉल्स की तरफ। तो वो रास्ता भी बढ़िया काफ़ी है केम्प्टी फॉल्स तक का। तो गाइस, वहाँ से जब वापस हम बैक टू होम के लिए निकले थे, तो वहाँ पर देखो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पूरे मतलब पूरे रास्ते में घर तक पूरे टाइम बारिश मिली यार, तो इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एट दैट टाइम। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को।
मिलते हैं आपसे दोबारा। तो गाइस थैंक यू यार।